हेलो व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर संदीप प्रेमी और आज हम बात कर रहे हैं चाइना में फैले हुए कोरोना वायरस के बारे में। जैसे आपको सबको पता है कि यह वायरस जो है वो चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अभी केरला के अंदर भी इंडिया में 3 इसके केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक वायरस से जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में जानें कि वायरस क्या है, कैसा है, कहाँ से फैला है, इसके हो जाने के बाद में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा मेरी शर्ट के जैसे रेड, उसे प्रेस कर दीजिए और उसके पास में एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर आपको एक नोटिफिकेशन मिले। व्यूवर्स, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस पहली बार फैला है। कोरोना वायरस जो डिटेक्ट हुआ था वो सबसे पहले 1937 में हुआ था, जब इसको एक बर्ड के अंदर पाया गया था। यह जो कोरोना वायरस है वो 15-20% जितने भी कॉमन एंड कोल्ड होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन जो 65-70 ईयर्स में इसे काफ़ी जो है वो रेट्स में, डॉग्स, कैट, हॉर्सेज में भी इसे पाया गया है। जो सबसे पहले ह्यूमन में कोरोना वायरस पाया गया था वो था 1960 में, जब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जो कि कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड था उसमें से कोरोना वायरस को अलग किया गया था। जो कॉमन कोल्ड की OCA3229E जो ये प्रकार है वो सबसे ज्यादा कॉमन कोल्ड को फैलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कोरोना वायरस ही नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो वायरस की शेप है वो क्राउन के जैसी है और लैटिन भाषा में कोरोना का मतलब होता है हेलो या क्राउन के जैसा, तो हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं। जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही एक लार्ज फैमिली है, जो कॉमन कोल्ड से लेकर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जो कि थोड़े दिन पहले फैला था, सार्स नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी कोरोना वायरस से फैला था। और अभी जो फैला हुआ है वो है नोवल कोरोना वायरस, जो कि एक कोरोना वायरस की एक नई प्रजाति सामने आई है। तो मैं आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के अंदर सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने नोटिस किया कि एक नया प्रकार का वायरस है वो फैला हुआ है, जिसको उन्होंने नोवल कोरोना वायरस नाम दिया, जैसा कि हम न्यूज़पेपर और मेडिकल जर्नल्स में देख रहे हैं, जिसको हम 2019 NCOV नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। जो कोरोना वायरस है वो एक जूनोटिक डिजीज है, जो कि जानवर से ह्यूमन, ह्यूमन से जानवर, इसमें बिटवीन फैलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके लक्षणों में स्नीजिंग यानी कि छींकें आना, नाक बहना, फटीग यानी कि हाथ पैरों में दर्द महसूस होना, खांसी आना, बुखार हो जाना, सोर थ्रोट होना, गले में दर्द महसूस होना और एक्सर्बेटेड अस्थमा होता है। अगर इन साइन और सिम्टम्स पे ध्यान ना दिया जाए तो यह बीमारी उग्र रूप भी ले सकती है। अगर यह और भी ज्यादा फैल जाती है तो निमोनिया हो सकता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है, किडनी फेल भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। व्यूअर्स, देखिए, अभी तक भी कोरोना वायरस के लिए किसी वैक्सीन की खोज नहीं हुई है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ प्रिवेंशन की टिप्स बता रहा हूँ, उनको विशेष रूप पे ध्यान रखिए। आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, मैंने एक पिक भी लगाई है कि हैंड वॉशिंग आपको किस तरह से करनी है, कितने स्टेप्स में किस तरह करनी है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार चेहरे पे या आंखों पे इस तरह से या फिर यूं टच करना अवॉइड करें। अगर आपको कॉमन कोल्ड के लक्षण हैं तो अगर आप खांसते या छींकते हैं तो आपको रुमाल या फिर सर्जिकल मास्क लगा के रखना चाहिए। देखिए, मैंने सर्जिकल मास्क पे एक वीडियो पहले से बना रखा है कि आपको सर्जिकल मास्क किन किन लोगों को लगाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए और सर्जिकल मास्क लगाने का साइंटिफिक वे क्या है, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा उसमें उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप वो वीडियो भी देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रिवेंशन के लिए। अगर आप मीट या एग्स खाते हैं तो उसको अच्छे से पकाएं, थोरोली उसकी वॉशिंग करें। और अगर कॉमन कोल्ड या फिर कोरोना वायरस से ग्रसित आपको व्यक्ति मिलते हैं तो उनसे आप जो है वो उचित दूरी बनाकर रखें, उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में ना रहें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो प्रिवेंशन का वैक्सीन है वो अभी तक भी खोजा नहीं गया है, तो इसके लिए प्रिवेंशन ही बेटर है कि आप इससे प्रिवेंट कैसे रहें वो सीखें, वो मैंने अभी आपको बताया है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में आयुष मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, उसने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि होम्योपैथी मेडिसिन को कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक मेडिसिन भी सजेस्ट करी है जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताऊंगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी ने बताया है कि आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी, उसकी इम्पटी स्टोमक, अगर आप सिंगल डोज 3 दिन तक लेते हैं तो आप कोरोना वायरस के प्रिवेंशन कर सकते हैं।
यह मेडिसिन उन्होंने एज ए प्रोफाइलेक्टिक बताई है कोरोना वायरस के लिए, जो अभी चाइना कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए। और इस मेडिसिन का रिपीटेशन है आपको एवरी मंथ करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो आर्सेनिक एल्बम है उसकी 30 पोटेंसी आपको सुबह सुबह खाली पेट दिन में एक बार लेनी है 3 दिन तक, और इसे रिपीट करना है 1 महीने बाद में। तो आपको यह जो मेडिसिन है वो एज ए प्रोफाइलेक्टिक काम करेगी, आपको कोरोना वायरस होने से बचाएगी। तो यह जो होम्योपैथी मेडिसिन है आप अपने नियर बाई होम्योपैथी फिजिशियन या फिर होम्योपैथी स्टोर से ले सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए। तो व्यूवर्स, ये था कोरोना वायरस और उसका होम्योपैथी से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, लोगों को भी स्वस्थ रखें और हाइजीन को मेंटेन रखें और इससे प्रिवेंट होकर रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।